नमस्ते वेलकम टू डे ऑफ टेन डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज आज हम डिसेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच ट्रेनिंग डेटा यूर यूजिंग इन पर राइटरेशन एंड एंड में हम इसका भी देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिसेंट एल्गोरिदम तो डिसेंट एल्गोरिदम हमारा ऐसा कुछ है जिसमें आप कन्वर्जेंस अगर आप लूप करते हो और हर स्टेप पर यू कैलकुलेट योर ग्रेड वैल्यूज इसमें जो लॉस जे डब्ल्यू जो है वो मेरा लॉस है एंड डब्ल्यू जो है वो मेरे पैरामीटर्स या वेट्स है फाइन एंड जब ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग बैक प्रोपेगेशन तो आप वेट्स को अपडेट करोगे वेट्स अपडेट कैसे होगा जो न्यू वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू माय करंट वेट या वेट ओल्ड माइनस ईटा ईटा इज माय लर्निंग रेट ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम देखेंगे ध्यान से Loss से तो जो हमारे परफेक्ट वेट्स या जो ऑप्टिमल वेट्स हमारे होने चाहिए द, वो स्टार वो कौन से वेट्स होंगे जहां पे हमारा ये वो वाला डब्ल्यू होगा जहाँ पे हमारा लॉस मिनिमम है राइट बाय डब्ल्यू एंड योर एक्चुअल फाइन इसमें जो लॉस है लॉस जब मिनिमा होगा लॉस मिनिमम होगा वो वाला w हमारा ऑप्टिमल w है अब ये ऑप्टिमल निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना होगा डेल आ, जे w बाय डेल w ये जे ले लो एल ले लो इट्स द सेम लॉस फंक्शन ही है दोनों तो इसमें बेसिकली uh, हो क्या रहा है जब हम ग्रेडिएंट ले रहे हैं तो ग्रेडिएंट हमारा क्या बता रहा है कौन से डिरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए जहाँ पे हमारा लॉस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है राइट right? लेकिन हमें क्या करना है हमें लॉस बढ़ाना तो नहीं है लॉस को हमें मिनिमाइज करना है राइट फ्रॉम वी वॉन्ट टू मिनिमाइज द लॉस इसलिए हमारा जो ग्रेड का वैल्यू आया है उससे हम माइनस कर देंगे क्योंकि uh, अभी हम जो वैल्यूज ले रहे थे ग्रेडियंट्स है वो हमारा डायरेक्शन ये बता रहा है तो हम माइनस ले रहे तो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया राइट right? तो दिस वी यूजिंग माइनस अब हम देखते हैं या लर्निंग रेट के बारे में तो लर्निंग रेट जो है इसको हम ये हाइपर पैरामीटर है हाइपर पैरामीटर मतलब आप खुद से इसकी वैल्यू असाइन करते हो और अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटी है राइट right? बहुत छोटी है तो क्या होगा ये वेट जो अपडेट हो रहे हैं मेरे वो बहुत धीरे 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 अपडेट्स होंगे अपडेट होगा और ऐसा इतना धीरे अपडेट होगा इट माइट हैपन कि आप लोकल मिनिमम में स्टक uh, हो जाओ राइट कन्वर्ज स्लोली और यही वैल्यू अगर एटा बहुत हाई है ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा हा, 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 हमारे वेट अपडेशन्स एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर रहे होंगे एंड वो ओवरशूट कर जाएगा अनस्टेबल हो जाए अनस्टेबल काफ़ी अनस्टेबल अपडेशंस हैं हमारे और राइट <coughs> तो हमारे लिए एक स्टेबल ईटा स्टेबल वेट अपडेशन के लिए हमारा ईटा कैसा होना चाहिए कुछ ना ही तो बहुत ज़्यादा छोटा और ना ही बहुत ज़्यादा तो हमारे ईटा कैसे निकालेंगे कि क्या ईटा की वैल्यू हमें रखनी चाहिए सो so, इधर बहुत सारे लर्निंग uh, रेट्स पे आप ट्राई कर लो जिस पे बेटर आपका रिजल्ट आ रहा है यू कैन यूज़ दैट या फिर uh, आप अडेप्टिव लर्निंग रेट भी यूज़ कर सकते हैं बट वो अडेप

Back uh, ये एक्स वन या फिर इनपुट ही एक्स ले लो एक्स इनपुट है यहाँ पे कुछ वेट्स होंगे ये बीच का हिड एंड लेयर है फिर कुछ वेट्स है फिर हिड एंड लेर है एंड सपोज लेट्स से यू रीच योर फाइनल वाई हार्ट अभी हम लोग डेल जे डब्ल्यू लेट्स डू इट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू थ्री लास्ट वाला वेट ये वैल्यू कैसे आएगी हम लोग चेन रूल यूज करते हैं ग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करने के लिए तो डेल जे डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू तो वाई हैट एंड देन विद वाई हैट विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू थ्री राइट यही चीज डेल जे डब्ल्यू विद विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू टू करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल जे डब्ल्यू बाई डेल वाई हैट हाँ इंटू डेल वाई हैट बाई डेल जे जेड टू इंटू डेल जेड टू विथ डेल डब्ल्यू टू राइट सो दिस इज चेन रूल यही आपको डब्ल्यू वन के लिए भी करना है तो ऐसे हो जाएगा डेल जे डब्ल्यू विद डेल डब्ल्यू वन दिस विल बी जे डब्ल्यू बाई डेल y वाई हैट वाई हैट बाय ड वन एंड फाइनली जेड वन बाई नील डब्लू वन तो ऐसे जितने सारे हेड एंड लेयर्स हैं उस हर उसके लिए आप बैक से आगे आते जा रहे हो एंड यूर कैलकुलेटिंग येडियन वैल्यूज राइट एंड ऑल ऑफ दिस रूल ओके तो आई गेस आपको समझ आ गया है राइट नाउ लेट्स लुक इन टू टाइप ऑफ ग्रेडिएंट डिस्टेंस जो आज का हमारा टॉपिक था कि हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट में हम कितना डेटा यूज कर रहे हैं उसके पर uh, आइटरेशन हम कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओके सो लेट्स सी फर्स्ट वन बैच डिसेंट। बैच डिसेंट में आप आ, सारे ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके एक बार आप वेट अपडेट करते हो वन अपडेशन ऑफ योर वेट आप सारा डेटा सेट को यूज करते हो ओके तो दिस इज लाइक ईच अल्टरेशन अपडेट वेट्स या पैरामीटर यूजिंग रेडियंट कैलकुलेटेड फ्रॉम योर एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट ओके तो इसमें हम लोग का जो साइज होगा वो कैपिटल एन या फिर या और एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट है और वन एपॉक विल बी इक्वल टू वन आइटरेशन राइट क्योंकि एक ही आइटरेशन में आप सारा का सारा ट्रेनिंग डेटा सेट यूज कर ले रहे हो तो वन ईपॉक वन आइटरेशन इज द सेम इक्ट हो गया ओके okay, uh, अच्छा बिफोर मूविंग लेट्स के एडवांटेजेस और डिसडवाटेजेस क्या होंगे तो ऐसे के इसमें एडवांटेज क्या होगा काफी स्टेबल कन्वर्जेंस होगी राइट अपडेट्स जो है काफ़ी स्टेबल है एंड वो ट्रू ग्रेडियंट जो लॉस फंक्शन का एक्चुअल ग्रेडियंट है उसी को फॉलो उसी को फॉलो करेगा बिकॉज अपने आ, सारा का सारा ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज़ करें लेट्स लुक के डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज हो जाता है कि ये कॉम्प्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है राइट right? बिकॉज इसमें जो है पूरा आ, पूरा इंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट का प्रोसेस करना पड़ेगा हर अपडेट पर और ये बहुत ही स्लो हो जाएगा अगर आ, डेटा सेट का साइज़ आपका बहुत बड़ा है राइट right? एक तो ये पॉइंट हो गया और क्या हो सकता है और ये मेमोरी इंटेंसिव भी बहुत है क्योंकि आपको जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको मेमोरी में, में रखना पड़ रहा है प्रोसेस करने के लिए राइट ओके सो नाउ लेट्स लुक इनटू द अदर टाइप, अदर टाइप ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट व्हिच विच इज योर स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट इसमें जैसे हम पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट पे पहले लॉस निकाल के उस पे उससे हम वेट अपडेट कर रहे थे इसमें क्या होगा हमारा वेट अपडेशन हर सैम्पल पे होता जाएगा तो इट्स लाइक पैरामीटर्स जो अपडेट कर रहे हैं या वेट्स जो हम अपडेट कर रहे हैं इट इज डन फॉर ईच सैंपल इसकी वजह से क्या होगा बहुत ही नॉइजी अपग्रेडेशन uh, होगा और काफ़ी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट अपडेशन होगा तो जो इसमें एन दैट विल बी और लाइक वन हर सैम्पल पे हम अपडेट करेंगे एंड वन ईपॉक में कितने आइटरेशन होंगे एक इपॉक में मतलब पूरा डेटा सेट जब आ, वे, आ, यूज हो चुका है वेट अपडेट करने में तो कितने आइटरेशन हमारे खत्म हो चुके होंगे एन हमें एन आइटरेशन चाहिए उसके लिए कैपिटल एन विच इज योर ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज क्योंकि हर सैंपल पे आप अपडेट कर रहे हो तो एन आइटरेशन चाहिए उसके बाद ही आपका एक ईपॉक खत्म होगा वन इपॉक विल बी हैविंग एन आइटरेशन वन, वन आइटरेशन ओके okay. तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया है बट जस्ट टू कवर अप एडवांटेज क्या है आपके एक तो काफ़ी फास्ट अपडेट्स हैं फास्टर अपडेट्स हर सैम्पल पे हम अपडेट कर रहे हैं और इसकी वजह से हम मिनिमा हो सकता है जल्दी पहुंच जाए एंड इसमें हमारी मेमोरी भी काफ़ी कम यूज़ हो रही है बिकॉज़ ऑबियसली uh, जैसे इसमें हमारा पूरा uh, डेटा सेट को ही हमें मेमरी में, 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 में रखना पड़ रहा था इसमें बस एक एक सैम्पल ही रख रहे तो मेमरी रिक्वायरमेंट भी कम है और ये लोकल मिनीमा भी ज़्यादा स्टिक नहीं करेगा हर हर उस पर आप अपडेट कर रहे हो तो लोकल मिनिमा को छोड़ के आगे निकल सकते हैं नौ लेट्स सी फॉर डिसएडवाटेज डिसएडवाटेज है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है राइट नॉइजी कन्वर्जेंस है बहुत काफी लेस स्टेबल भी है और मिनिमा uh, के अराउंड आपके ऑसोलेश भी बहुत ज्यादा होते हैं हो सकते हैं ओके कूल लेट्स लुक इन टू थर्ड टाइप ऑफ इज योर मिनी बैच ग्रेडियंटेशन मिनी मैच ग्रेड इन जो है बैच और स्टोकास्टिक uh, के बीच में कहीं है मतलब ना ही तो हम एक सैम्पल पे वेट अपडेट कर रहे हैं और ना ही हम पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट को लेके अपडेट कर रहे हैं जो कि काफी मेमोरी इंटेंसिव हो रहा था कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव था हम इन दोनों के ही पॉजिटिव पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे मिनी बैच में तो मिनी बैच में क्या होगा जो डेटा सेट है आपका ट्रेनिंग डेटा सेट उसके uh, बहुत सारे बैचेस बना देंगे मतलब अलग अलग पार्ट्स में हम उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो सपोज आई हैव एम 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 सब सब पार्ट्स पार्ट्स आर टोटल ऐसे है या बनाए सबसे बनाया All right? तो ग्रेडियंट हम कब कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच मिनी बैच मतलब एक एक ये जो सबसेट ऑफ माय डेटा है इसका जब ट्रैवर्सल हो चुका होगा तो तो मतलब इस पे जब हम सारा लॉस निकाल लेंगे तब हम हर मिनी बैच पे हम डिसेंट वेट जो है हम अपडेट करेंगे मतलब एन क्या है मेरा एम सब पार्ट्स की जगह एम हम इसका एक एक, -एक का साइज ले लेते हैं टेक दिस टू बी एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रोज डेटा पॉइंट एम है उसमें एंड ओवरऑल मेरा एन बाई एम सब पार्ट्स हो गए ओके एन विल भी तो वन एपॉक विल भी इक्वल टू एन बाई एमट राइट इसमें एडवांटेज क्या हो गया बैलेंस्ड कन्वर्जेंस uh, होगा हमने इसमें ग्रेडिएंट uh, डिसेंट या डी का स्पीड भी ले लिया है तो, uh, बहुत स्लो नहीं है कि पूरे डेटा सेट पे हम अपडेट कर रहे हैं और हमने यहाँ का रोबस्टनेस भी ले लिया है स्टेबल कन्वर्जेंस का तो एक बैलेंस्ड हमारे पास कन्वर्जेंस आ रहा है हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है कॉम्प्यूटेशनली हमारा चीपर है देन योर बैच ग्रेडियंटिस क्योंकि नंबर ऑफ सैम्पल्स हमें जो मेमरी में रखने पड़ रहे हैं दैट इज लेस एंड डिसवानज क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कि हमें ट्यूनिंग ट्यूनिंग क्योंकि इसमें जो बैच साइज है जो एम मैं बोल रही थी ये बैच साइज है ये इसकी परफॉर्मेंस काफी मैटर करेगी कि आप बैच साइज कितना रख रहे हो तो वो चीज को डिसाइड करने में आपको थोड़ा मेहनत लग सकता है ओके सो वी सीन ऑफ दिस अब देखते हैं कि नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट मिनी बैच क्रेडियंट डिसेंट इन बाई टॉर्च ओके एंड लच्ची uh, ये प्री प्रोसेस का भी देखते हैं ओके okay. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेटा सेट को आ, लोड करेंगे फिर इसमें डेटा डॉट डेटा और टारगेट को अलग अलग कर दिया है क्लास वैल्यूज़ और डेटा वैल्यूज़ उसके बाद फिर प्री प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं इस पर एंड बैच साइज इसमें हम मिनी बैच ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बैच साइज जो है वो मेरा हाइपर पैरामीटर है उसके उसको आई एम टेकिंग इट टू बी थर्टी टू ओके सो अब सी प्री प्रोसेस डेटा फंक्शन कर क्या रहा है दिस इज माई प्री प्रोसेस डेटा फंक्शन इस फंक्शन में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले कर रहे हैं जो हमारे पास एक्स और वाई पूरा एंटायर डेटा सेट था उसमें से हमने ट्वेंटी रख लिया और एट्टी परसेंट को हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है तो यू कैन सी इसमें फोर फिफ्टी फाइव डेटा पॉइंट्स मेरे ट्रेनिंग में आ गए और वन फोर्टी वन वन फोर पॉइंट मेरे टेस्ट में आ जाएंगे इसको अभी रन करेंगे तो यू कैन मैच दीज वैल्यूज ओके एंड ईच डेटा पॉइंट हेज हाउ मेनी फीचर्स इट हमारे पास इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्टर नॉर्मलाइजिंग इसको ये numpy में था ये ये जो एक्सट्री एन एक्सट्रेस वाइट एंड व्हाइटेस्ट ये सारे नंपाई में है तो इसको टॉर्च में कन्वर्ट कर रहे हैं और न्यूरल नेटवर्क में और नीचे में हम देखेंगे यूज करने के लिए हमें जो साइज की रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच हो जाएगा अगर इसमें खाली ये वन डिमेंशनल है फोर फिफ्टी फाइव कॉमा तो इसमें एड ऑन हमें एक डिमेंशन वन पे डालना है तो इसलिए यहाँ पे व्यू कर दिया ये व्यू लेंथ ऑफ दिस कॉमा वन सो दिस वुड बी माई न्यू शेप तो ये न्यू साइज मेरा फोर फिफ्टी फाइव कॉमा वन है ओके okay. <coughs> ये करने के बाद हम लोग इसको डेटा लोडर टेस्ट डेटा सेट और फिर यहाँ डेटा लोडर में हम लोग पर बैच कितना थर्टी टू ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ट्रेन लोडर बना दे रहे हैं एंड सिमिलरली हम लोग टेस्ट लोडर बना दे रहे हैं और फिर उसको यूज करेंगे आगे so ये जो बेसिकली ट्रेन लोडर है दिस विल बी यार जितना ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें बैच साइज मेरा थर्टी टू है तो थर्टी टू थर्टी टू के सबसेट्स के फॉर्म में मेरा स्टोर हो रहा होगा ओके सी दी नेक्स्ट वन तो यहाँ पर मेरे पास ट्रेन लोडर टेस्ट लोडर की वैल्यूज आ चुकी हैं अब नेक्स्ट uh, उसमें हम यहाँ पे क्लास uh, में एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नेट ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ये पहले की क्लास में जो बनाया था वही है इसमें लीनियर लेयर है उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं दो ऐसे फुली कनेक्टेड लेयर्स है एंड फाइनली मेरा आउटपुट लेयर है एंड वेगमोइट और ये हम बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज करते हैं Then, यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं सबको एंड फाइनली बिफोर

इंट्रोपी लॉस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्राइटेरियन एंड ऑप्टेमाइजर जो है मेरा एस जी डी और इसके अंदर में लर्निंग रेट लर्निंग रेट मेरा ईटा है ईटा इज पॉइंट जीरो वन ओके यहाँ पे फिर फाइनली हम लोग ट्रेन मॉडल को कॉल कर रहे हैं एंड वी आर पासिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट माई नेट ऑब्जेक्ट एंड क्राइटेरियन विच इज़ माई लॉस फंक्शन एंड ऑप्टेमाइजर एंड मैं नंबर ऑफ हिपॉक्स नंबर ऑफ हिपॉक्स मैंने थर्टी लिया है एंड फाइनली हम इवेल्यूएट करेंगे तो पहले ट्रेन मॉडल देखते हैं ये ट्रेन मॉडल का फंक्शन है इसमें नेट डॉट ट्रेन कॉल करेंगे तो हम लोग ट्रेन मोड में जा रहे हैं बेसिकली कि हमारे वेट्स अपडेट होंगे और जितने भी लेयर्स हैं वो सब ट्रेनिंग के अप्रोसे चलेंगे ओके सो फॉर ऑल योर फॉर इपॉक इन रेंज एपॉक्स फॉर योर थर्टी एपॉक्स हम चलेंगे फॉर ईच इ वी वेर कैलकुलेटिंग रनिंग लॉस मेरा ओवरऑल फॉर वन ईपॉक है आगे में हम लोग जो ट्रेन लोडर लिए हैं उसमें इनपुट्स एंड टारगेट्स की वैल्यूज़ हैं इसमें uh, उसके बाद फिर ज़ीरो ग्रेड जितने ग्रेडियंट की वैल्यूज़ है उसको हम रीसेट कर दे रहे हैं ताकि जो uh, आपका अन इंटेंडेड ग्रेडिड एक्मलेशन ना हो और जो हर बैच है वो करेंट करेक्टली आपका पैरामीटर अपडेट करे ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन देन यहाँ पे ये फॉरवर्ड पास यहाँ पे नेट इनपुट्स आपने भेज दिया इसको ये रिटर्न एक्स आ जाएगा विच आर योर आउटपुट्स उसके बाद फिर ये वाले आउटपुट्स और मेरे ओरिजिनल जो टारगेट वैल्यूज़ हैं ये इसको यूज करके हम लोग एवरेज लॉस निकाल लेंगे ये बी सी ई लॉस क्राइटेरिया नीचे डिफाइन किया था फिर लॉस डॉट बैकवर्ड इसमें हम ग्रेडियन कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजिंग बैक प्रोपेशन फाइनली ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप इसमें हम क्या कर रहे हैं वेट अपडेशन ऑफ़ योर ग्रेडियन डिस ओल्ड माइनस ईटा इन टू डेल जे डब्ल्यू ए डेल डब्ल्यू ओके और अभी यहाँ पे जो लॉस आया था ये मेरा एवरेज लॉस है एंड इसमें आ, अगर हम ये इपॉक के परस्पेक्टिव से लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा ऐड करते समय क्या हो जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर माय विद माय बैच साइज तो थर्टी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा मेरा मिनी बैच के लिए कुल cool. और फिर ऐसे ही हम लोग जितने भी हमारे सब्सिट्स हैं सब के लिए ये चलेगा जितने भी मिनी बैचेस है सबके लिए जब ये पूरा हो चुका है तो फाइनली फॉर मैक ओवरऑल वन एपॉक कितना हमारा लॉस हुआ है यहाँ पे वो हम एवरेज लॉस निकाल रहे हैं और फिर उसको हम प्रिंट करेंगे एंड नाउ इवेल्युट मॉडल फंक्शन यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे नेट डॉट ट्रेन स्विच किए थे मोड पे यहाँ पे हम इवेल मोड में स्विच हो रहे हैं कि अब जितने भी लेयर्स हैं उसको इवेल्यूट के परस्पेक्टिव से चलना है तो करेक्ट क्लासिफिकेशन तो टोटल ये हम एक्यूरेसी के लिए इनिशलाइज कर रहे हैं वाइट टू वाइट रेड तो इसमें जो मेरा टेस्ट सेट है जो टेस्ट लोडर है उसके जो इनपुट टारगेट है हर उस पर हम लोग ऐसे ही आउटपुट्स निकालेंगे और उनकी प्रडिक्शन वैल्यूज निकाल लेंगे ग्रेटर देन पॉइंट फाइव है लेस देन पॉइंट फाइव है वैसे करके प्रिडिक्टेड वन जीरो टोटल ऐड कर लेंगे टारगेट डॉट साइज देन करेक्ट वैल्यूज़ क्या है और वाइट टू वाइट रेड डाल देंगे फाइनली वील वी आर बेसिकली प्रिंटिंग कन्फ्यूजन मेट्रिक्स एफ वन स्कोर एंड माई एक्यूरेसी ओके सो नाउ लेट्स जस्ट रन सी तो ये हमने थर्टी बॉक्स के लिए चलाया था तो हर एक के करस्पॉन्डिंग है लॉस वैल्यू है धीरे धीरे देखो डिक्रीज होती जा रही है पॉइंट सेवन थ्री से शुरू हुई है धीरे धीरे पॉइंट टू एट तक आ गया एंड टेस्ट सेट पर एक्यूरेसी मेरी नाइन्टी सिक्स परसेंट आ रही है ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है मेरा एंड दिस इज माई एफ एन स्कोर ऑफ पॉइंट नाइन सेवन और यहाँ पे एक्स ट्रेन का शेप और वाई ट्रेन शेप ये नम्पाई वाले थे एक्स टेस्ट वाइट और ये टॉर्च में कन्वर्ट करने के बाद इनका साइज ऐसा आ रहा है शेप आई गेस यू अंडरस्टूड दिस कोड एंड इस पर काफी चीजें चेंज कर सकते हैं काफी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक क्लास के साथ आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो कि वैलिडेशन सेट को इसके साथ भेज सकते हो और टू बेसिकली सी कि वैलिड जब इधर में लॉस अपडेट कर रहे हम तो उस उस टाइम पे आपका वैलिडेशन लॉस क्या है तो पर इपॉक वैलिडेशन लॉस भी आप देख सकते हो कि उस पर कितना लॉस आ रहा है तो उसके वजह जब ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस दोनों को ही प्रिंट करोगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कहाँ स्टॉप करना चाहिए हमारे नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होने चाहिए इट okay? और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों भी उन लोगों तक भी पहुंच सके और अपने डाउट्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें थैंक यू